हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के अंडर 19 महिला विश्व कप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंडर 19 इंडिया विश्व विजेता बन चुकी है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड सारी न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों फाइनल में इंग्लैंड और इंडिया का सामना हुआ था। इंडियन टीम महिला टीम ने इंग्लैंड को राउंड दिया दोस्तों, क्योंकि इंडियन टीम दोस्तों महज 14 ओवरों में 3 विकेट खोकर 7 विकेट से जीत अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड की टीम फाइनल में इंडियन टीम के बॉलरों ने काफ़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों, और महज 79 रन पे ऑल आउट कर दी थी। और दोस्तों बात करते हैं अब शिपाली वर्मा की, तो शिपाली वर्मा बल्लेबाजी से तो करती हैं और गेंदबाजी में भी उनकी धार देखी मिली। वहीं बात करते दोस्तों श्वेता की, तो श्वेता ने भी इस वर्ल्ड कप में 250 से प्लस रन बनाए थे दोस्तों। और जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती उसके बाद शिपाली वर्मा ने तिरंगा लपेट के पूरे ग्राउंड का मुआवजा लिया और पूरे ग्राउंड में जश्न मनाया घूम घूम के। दोस्तों टीम इंडिया महिला विश्व कप अंडर 19 विश्व कप जो कि पहला आयोजन था 2023 में दोस्तों, वो टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। दोस्तों इस हिसाब से टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, महिला वर्ल्ड चैंपियन जो कि अंडर 19 में जो, और दोस्तों महिला टीम ने खूब सारा जश्न मनाया था और महिला टीम ने भी दोस्तों भारत का सिर ऊंचा कर दिया है अंडर 19 विश्व कप जीत के। दोस्तों इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनने दोस्तों इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि शायद ये थोड़ा कम ही पड़ गया था बताने के लिए। दोस्तों जश्न की बात तो फिर बनती है जब टीम विश्व कप जीतती है, तो सारी महिला टीम ने मिलकर खूब सारा जश्न मनाया दोस्तों और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप नाम कर दिया। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है महिला अंडर 19 विश्व कप विजेता और उधर पुरुष टीम विजेता बन चुकी दोस्तों अंडर 19 की कुछ महीने पहले। दोस्तों ऐसे में जो भारत की नेशनल टीम है पुरुष टीम, इसको क्या करना चाहिए। दोस्तों ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि जब ट्रॉफी मिली थी शिपाली वर्मा के लिए उसके बाद की, और दोस्तों जो BCCI वाले उन्होंने शिपाली वर्मा के लिए ट्रॉफी दी थी, और जब अंडर 19 महिला विश्व कप विजेता दोस्तों साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों पूरी तरह से, और इंडियन टीम बाहर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है वुमेन टीम, जैसे कि दोस्तों घर में करती है तो अलग ही चीज़ है, लेकिन अगर विदेश में जाकर अंडर 19 विश्व कप महिला टीम जीत के लाती है तो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों पूरा देश सराहना कर रहा है भारत की इन बेटियों का जो कि इन्होंने अंडर 19 विश्व कप विजेता बनाया भारत के लिए, जो कि पहला आयोजन था, और पहले ही आयोजन में टीम इंडिया का नाम दर्ज कर दिया है विश्व विजेताओं में दोस्तों। ऐसे दोस्तों अभी विश्व वर्ल्ड कप में चल रहे हैं दोस्तों, उनमें ऑस्ट्रेलिया का कुछ ज़्यादा ही हाथ है, ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा ही जीतती है, लेकिन इस बार शिपाली वर्मा ने वो नहीं किया, सब कुछ अलग कर दिखाया, साउथ अफ्रीका में जाके महिला अंडर 19 विश्व कप भारत के नाम करवा दिया। इंग्लैंड की दोस्तों पहले बल्लेबाजी लड़खड़ाई, लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी ने इस तरह का मुजाहरा किया, लेकिन दोस्तों शिपाली वर्मा कुछ खास नहीं कर पाई थी इस मैच में, लेकिन फिलहाल और सारे मैचों में उन्होंने अच्छी तरह से खूब कुटाई की थी सभी गेंदबाजों की। वहीं फिर उनके साथ श्वेता की तो दोस्तों बल्लेबाजी की बात ही ना की जाए, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी रही पूरे टूर्नामेंट में, जो भी कम पड़ जाए दोस्तों इन लड़कियों ने वो कर दिखाया दोस्तों जो टीम इंडिया के लिए चाहिए था, और टीम इंडिया के लिए विश्व विजेता बना दिया दोस्तों शिपाली वर्मा। ये बल्लेबाजी अभी से देख के ऐसा लगता है, और दोस्तों गेंदबाजी भी कर लेती हैं शिपाली वर्मा। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्या लगता है आपके लिए टीम इंडिया विश्व विजेता बन चुकी है, तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।
अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय हो बाय बाय दोस्तों। और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप शेफाली वर्मा के लिए एक अच्छा क्रिकेटर मानते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर भारत की शान में अगर दो चांद और लगाने हैं आपके लिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और सारी क्रिकेट सी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। जय हिंद।